पूरे 5 वर्षों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा होता है, विश्वास कीजिए। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो सिल्वर प्ले बटन है, मैंने ये दो ही है, लेकिन और ऐसे चैनल हैं जिसपे 70,000, 80,000, 10,000 सब्सक्राइबर है। मेरे कई चैनल्स हैं, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो। मेरा छोटा चैनल है, ये मेरे चैनल्स को देख करके बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि भाई ये ट्रिक काम करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वाकई में काम करता है। और इसी ट्रिक को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसी ट्रिक को हर चैनल पर यूज किया हूँ और करता हूँ। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, घबराइए मत, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। आपका 1000 सब्सक्राइबर के चक्कर में है ना, 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 1,00,000। क्यों इतने निराश हो जा रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं होगा? हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा। 1 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। पहले इस बात को आप मान तो लो मेरे भाई कि हो जाएगा। आप इतने वीडियोज देख चुके हैं, इतने वीडियोज ढूंढ रहे हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, हर कोई अपना तरीका अलग अलग बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है, और किसको किसकी बात मानेंगे आप? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात यदि मानना है तो पूरी बात को सुन लीजिए। आपका 1000 सब्सक्राइबर के चक्कर में ना 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियोज को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इस मोबाइल वाले यूट्यूबर, जी हाँ, इसका मैंने नाम रखा है मोबाइल वाला यूट्यूबर, इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ में कुछ लिख दीजिएगा। देखिए, इस चैनल का नाम मैंने मोबाइल वाला यूट्यूबर क्यों रखा है, पहले ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे भाई लोग हैं या बहन लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल खोले हैं, चला रहे हैं चैनल, वो मोबाइल में चलाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा लोग मोबाइल में ही चलाते हैं, तो मोबाइल में चलाते हैं, तो मैंने सोचा, नाम सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा इस चैनल का नाम ही रख देते हैं कि मोबाइल वाला यूट्यूबर, मोबाइल वाला यूट्यूबर, ठीक है। और इस चेहरे को तो लोग पहचानते हैं पहले से, काफ़ी लोग, करोड़ों लोग जानते हैं मुझे, नहीं जानते हैं तो शायद आप नए होंगे, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, पूरे ईमानदारी से अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो पूरे ईमानदारी से आप एक वीडियोज बनाइए। कोई मतलब देखिए, कोई भी टॉपिक भी आप बना सकते हैं, मतलब जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल है या जो भी ब्लॉग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उस टाइप में आप एक वीडियोस बनाइए। कितने देर का? कम से कम 20 मिनट का। ये मेरा ट्रिक है, खुद का पर्सनल यूज किया हुआ है मेरे भाई, इस अनुभव पे आपको बता रहा हूँ, विश्वास करो, आप विश्वास ही नहीं करते हो। 20 मिनट का आप एक वीडियोस बनाइए, उस वीडियोज में पहला जो 2 मिनट है उसको किसी भी तरीके से, चाहे नाचो गाओ डांस करो उल्टा लटक जाओ, कुछ भी, पहला जो 2 मिनट है उसको आप कुछ बिल्कुल एकदम फाड़ू बनाओ, मतलब लोग उसको क्लिक करें आपके वीडियोस को तो वो देखते ही रह जाएं। पहला 2 मिनट ये जरूरी है। आप एक काम करना, 20 मिनट की वीडियोज बनाना और पहला 2 मिनट आप कुछ भी कर लो, उल्टा लटक जाओ, डांस करो, पागलों जैसा हरकत, कुछ तो करो यार, उसमें कुछ ऐसा करोगे जिससे कि ऑडियंस रुक जाए, आपके वीडियोज पे रुक जाए। देखो, वीडियोज पे लोगों को रोकना, अगर ये कला आपको आ जाती है ना, वीडियोज पर लोगों को रोकना, ठीक है, तो आप समझ लो यूट्यूब के बादशाह हो, बादशाह हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कला सबको नहीं है, और इसीलिए ना 1000 सब्सक्राइबर होता है ना 4000 घंटा होता है। आज मैं 1000 सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा, पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए कि मैं क्या करता हूँ और कैसे आपको भी करना चाहिए। पहला जो 2 मिनट है उसको कुछ तो आपको ऐसा करना होगा, भले ही वो आप कुछ भी ऐसा हरकत करो यार, अब मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ करने को जी चाहता है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा करो जिससे कि लोग रुक जाएं और देखने लगे कि ये बंदा कर क्या रहा है, भले कुछ भी करो आप। देखो, मेरी बात को समझ रहेगा, गलत तरीके से मत इसको सोचिएगा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे। मैं उस बात, उस काम को, उस चीज को मैं नहीं ओपन कर रहा हूं, ना बता रहा हूं, ना वो करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं आप कुछ ऐसा करना जो लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, और कहने का मतलब यह है कि लोग आपके वीडियोज पे रुक जाएं। कोई जरूरी नहीं है पागलों वाला ही हरकत करना है, आप कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ बता भी सकते हैं, कुछ ऐसी चीज को आप बता सकते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। ये पहला काम कीजिएगा,
सॉरी दूसरा काम कीजिएगा, पहला 20 मिनट का वीडियोस बनाइएगा, दूसरा ऑडियंस को 2 मिनट तक अपने चैनल्स पे रोक के रखिएगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप देखिए YouTube एक प्लेटफार्म है। कौन सा प्लेटफार्म है, मतलब इंटरनेट द्वारा चलाने वाला एक ऐप है। ये कोई आदमी नहीं है कि आपके इमोशन को समझ रहा है आपको कुछ, ये इसमें मशीन है। इसमें जो सिस्टम फिट कर दिया गया है कि इतने देखो इस पे होता यह है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इस पे होता यह है कि आप कोई भी वीडियो जो अपलोड करते हैं तो YouTube आपके थंबनेल को देखता है, आपके टाइटल को देखता है, आपका जो कैटेगरी है वो देखता है, और आपके वीडियोज में कितने देर लोग रुक रहे हैं वो देखता है। ये चार पांच बातें YouTube देखता है, और अगर सब कुछ उसको समझ में आ जाता है उस मशीन को, मतलब उसमें सब कुछ आपने अच्छे तरीके से फीड किया है, आपने कैटेगरी भी सही लिखा है, आपने टाइटल भी सही लिखा है वीडियो से रिलेटेड, वीडियोज भी आपने उसी टॉपिक पे बनाया है, थंबनेल भी आपका उसी से है, YouTube समझ जाता है कि इस पे यही है, इसको इन दर्शकों के पास भेजना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने जैसे मैंने ये वीडियोज बनाया है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें या फिर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। देखो ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने टाइटल देखोगे तो मैंने लिखा है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इस पे थंबनेल मैंने लिखा था कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, समझ में आ रहा है। इस पे मैं जो बता रहा हूं ये भी आपको बता रहा हूं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अब और ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई होगी, शायद 7-8 मिनट का, 6 मिनट का, कितने देर का बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। तो अभी तक आप देख रहे हैं इसका मतलब कि आपने अपना पूरा वॉच टाइम इस पे दिया है, पूरा अपना टाइम दिया है ना। और मैं कोई झूठ नहीं बता रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूं, ये मैंने खुद ऐसा मैं करता हूं अपने हर एक वीडियोज में, वो चीज मैं आपके साथ बता रहा हूं। तो आपको भी विश्वास हो रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे, अगर आप एक यूट्यूबर है छोटे मोटे या बड़े यूट्यूबर है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ऑडियंस को रोक के रखना ही कला है, और उसको आप सीख जाते हैं तो उससे ये होता है कि आपके वीडियोज पे अगर 20 मिनट के वीडियोज है तो उस पर कम से कम 5 मिनट तक लोग देख लेते हैं, 10 मिनट तक लोग, कोई 7 मिनट देखता है, कोई 8 मिनट देखता है, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट पूरा देख लेता है। अब इससे होता है कि आपके वीडियोज का जो वॉच टाइम है ना वो ज्यादा मिल जाता है। जैसे मान लो अगर इसी बात को अपने वीडियोज को जो आप वीडियोज में बताते हो अगर उसको आप 5 मिनट में खत्म कर दिया, 5 मिनट में खत्म कर दिया, यानी एक बंदा कोई देखा पूरा फुल देखा तो 5 मिनट का आपको वॉच टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप 20 मिनट में बता रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगा करके, थोड़ा सा और उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखा करके, लोगों को थोड़ा सा और अपने ट्राइब अट्रैक्ट करके अगर उस बात को 20 मिनट में आप दिखा रहे हो तो लोग क्या है, तो YouTube को ज्यादा वॉच टाइम मिल जाता है। YouTube को सबसे ज्यादा आपकी वीडियो से वॉच टाइम मिलता है, कोई भी प्लेटफार्म है, चाहे वो सोशल मीडिया पे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी, मतलब कोई भी प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐप है, वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि लोग मतलब उसके प्लेटफार्म पे ज्यादा देर तक रुकें, ज्यादा देखें उसी के ऐप को, उसी के वीडियोज को, उसी प्लेटफार्म पे ऑडियंस रुक के रखे। आप कितना देर तक उसके प्लेटफार्म पे रोक रहे हैं लोगों को, यही देखता है। तो YouTube भी यही है, YouTube भी यही कहता है कि आप मेरे प्लेटफार्म पे कितने दर्शकों को कितने देर तक आप रोक के रखते हैं, ये काम आप सीख लो। और इससे फायदा होगा कि ज्यादा वॉच टाइम मिलता है तो आपकी वीडियोज वायरल होती है। देखो ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा तो ज्यादा लोगों के पास YouTube सजेस्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें जो बंदा बता रहा है इस पे लोग ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा दर्शकों के पास ज्यादा ब्राउज फीचर में, सजेस्टेड में, अलग अलग यूट्यूब सर्च में भेजता है, और भेजता है तो उससे आपकी वीडियोज वायरल होती है। और देखो मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर आपकी एक वीडियोज पे कम से कम 10-15 हजार 20 हजार तक अगर व्यूज आ जाता है एक वीडियोज पे, और इसी तरीके से अगर एक दो वीडियोज वायरल हो जाती है, 10-10 हजार 20-20 हजार 30-30 हजार व्यूज आ जाते हैं, तो 1000 क्या आपके सब्सक्राइबर 10000 भी बन सकते हैं, 5000 भी बन सकते हैं। और एक दिन में अगर 10000 व्यूज आ गया तो 1000 सब्सक्राइबर आराम से बन जाएंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपके वाकई में आपके वीडियोज में दम होगा, अच्छा यदि आपने बनाया है तब, और सोचेंगे कि मैं कोई ट्रिक आपको बता रहा हूं छू मंत्र वाला है, ऐसे बहुत से ट्रिक मैं चाहूं तो आपको बता भी सकता हूं, लेकिन यार देखो वो सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर आपको तो बनाना नहीं है, आपको YouTube से पैसे कमाना है, YouTube से पैसे कमाना है। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने से क्या आपको पैसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए आप ये जो सब्सक्राइबर बनेंगे, जो मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से जो सब्सक्राइबर बनेंगे वो सब्सक्राइबर आपके जेन्युइन होंगे। आप कोई भी वीडियो डालेंगे तो लोग उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब करेंगे। ये खरीदा हुआ नहीं है, ये कोई झूठ बोल के नहीं है, आपने ईमानदारी से लोगों को रखा है,
प्लेटफॉर्म पे रखा है और लोग आपको सब्सक्राइब किए हैं, आपका काम पसंद आया है तब जाके लोग आपको सब्सक्राइब किए हैं, तो लोग अगली वीडियोज भी डालेंगे तो लोग आपको देखेंगे। देखो ये मेरा 5 वर्षों का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ 5-7 मिनट के अंदर, और शायद ये वीडियो पता नहीं 10 मिनट का बन चुका है, तो माफी चाहता हूँ अगर देरी हुआ तो, क्योंकि यार सही बताने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और आप लोग ना गलती होती है कि जा करके उन झूठे लोगों को देखते हो जो चुटकी में वायरल करते हैं, जो 5 मिनट में इतने कर देते हैं, ये सब जो करते हैं उनको देखते हो, उनको सपोर्ट करते हो, और हमारे जैसे सच लोगों को ना कोई साथ नहीं देता। हालांकि आप लोग के भलाई के लिए मैंने ये चैनल खोला है, अब आप लोग जैसा मर्जी प्यार दें, सब्सक्राइब करें ना करें, अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपना अनुभव आपको बताऊं और आपको पूरी जानकारी सच्ची दूं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा होता है, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस मोबाइल वाले यूट्यूबर पे अपना प्यार दिखाइए, याद रखिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।